हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अब है एक्सेल कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, आज है 13 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 अक्टूबर को ट्रिपल सी एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है पूजा मिश्रा जी ने, किरण सिंह जी ने और रमेश शुक्ल जी ने। सबसे पहले इन तीन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आप भी एग्जाम देने के बाद क्वेश्चंस हमारे पास जरूर सेंड करिएगा ताकि इन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और जिनका भी नेक्स्ट डे एग्जाम है उनकी एक अच्छी तैयारी हो सके। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। जिनका भी नेक्स्ट डे एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग ट्रिपल सी का एग्जाम एस ग्रेड से टॉप करें। जिनका कल एग्जाम है वो हमारी मॉर्निंग में जो 7 बजे क्लास होती है उस क्लास को जरूर अटेंड कर लेंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस उस क्लास में हम बताते हैं वो बिल्कुल श्योर है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वो क्लासेस आप अटेंड करके ही एग्जाम देने चाहिएगा। ये काफी दिनों का एक्सपीरियंस है, हर बार ऐसा ही होता है जो क्वेश्चंस मॉर्निंग में हम बताते हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हर क्वेश्चन को आप मॉक टेस्ट के रूप में लीजिएगा और जो भी राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं। एक न्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐड हुआ इस बार, QSAM वर्ड, ठीक है ना। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 3 क्वेश्चंस अभी तक बन चुके हैं और आ चुके हैं। एक क्वेश्चन हो गया है QSAM का फुल फॉर्म, दूसरा क्वेश्चन हो गया है QSAM का क्या कार्य है अर्थात किसमें इसका उपयोग किया जाता है, और तीसरा क्वेश्चन ये आज एग्जाम में आया था, QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं QSAM का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है, क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, ठीक है ना। उपयोग क्या है, आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए QSAM सेवा का लाभ उठाते हैं। इसके लिए किस कोड का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शंस हैं *99#, *99*99#, *099#, *123#। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, *99*99#। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए *99*99# का उपयोग करते हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन और आ सकता है कि USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं। तो USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए आप सभी जानते हैं कि हम *99# का प्रयोग करते हहैं। तो याद रखिएगा *99#। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन स्टैंड फॉर अर्थात पिन का पूर्ण रूप क्या होता है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिटी नंबर या पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। फुल फॉर्म्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस बार भी। अभी इससे पहले 7 बजे के क्लास में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बताए हैं जो अक्टूबर एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। 12 और 13 अक्टूबर को एग्जाम में पूछे गए फुल फॉर्म्स 7 बजे की क्लास से मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है, वहां से आप देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना। पिन का यही फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट है EITS स्टैंड फॉर, ठीक है ना, ये भी आपके लिए न्यू है। EITS इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी ट्रांसफर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम। अब नेक्स्ट, IT JET CAS
किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? मोबाइल वॉलेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया था। यहां पर एक न्यू क्वेश्चन दिया है, ITZCash किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? RBI, ICICI, SBI बैंक या BOB? तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, RBI। जो भी आपके मोबाइल वॉलेट्स हैं ज्यादातर सभी RBI के ही होते हैं। ICICI बैंक का भी अपना एक वॉलेट है जिसका नाम है ICICI वॉलेट। ऐसे ही ऑक्सीजन वॉलेट भी है आपका एक मोबाइल वॉलेट, वो भी है। पेटीएम है, फोन पे है, ये सभी आपके मोबाइल वॉलेट है। SBI का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी एग्जाम में आता है कभी कभी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका होता है और BOB का होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब नेक्स्ट, डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है? 1 MB, 10 GB, 1 GB या 1000 MB? तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1 GB। डिजिटल लॉकर में अधिकतम 1 GB का स्पेस होता है। अब नेक्स्ट, G2C स्टैंड फॉर गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू सिटी एंड A&B दोनों। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, A&B दोनों, ठीक है ना, क्योंकि G2C को गवर्नमेंट टू सिटीजन भी कहा जाता है और गवर्नमेंट टू कंज्यूमर भी कहा जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा A&B दोनों। याद रखिएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है, फेसबुक में अधिकतम फ्रेंड्स को जोड़ सकते हैं, अर्थात फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स को जोड़ा जा सकता है? 4000, 5000, 6000 या 1000? तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 5000, ठीक है ना। फेसबुक में अधिकतम 5000 फ्रेंड्स को जोड़ा जा सकता है, फ्रेंड लिमिट जो है वो है आपकी 5000। 5000 से अधिक लोगों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है ना, तो याद रखिएगा 5000। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट से पहले फेसबुक के बारे में जो क्वेश्चंस और पूछे आते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फेसबुक में चलाने की जो उम्र है वो कम से कम कितने उम्र की है? तो फेसबुक यूज करने की जो उम्र है वो है 13 साल। अगर कोई 13 वर्ष से कम उम्र का बच्चा फेसबुक का यूज कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। फेसबुक में एक बार में कितनी वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन भी आता है। तो फेसबुक में एक बार हम 30 अधिकतम फोटो या वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, सबसे ज्यादा पब्लिक प्लेस में यूज होने वाला बैंक कौन सा है? ये क्वेश्चन ऐसे ही लिख के भेजा गया था और यहां पर ऐसे ही हमने इसे लिख दिया। SBI, PNB, BOB या ICICI? तो स्टूडेंट्स पब्लिक प्लेस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो बैंक है वो है आपका इसमें से SBI, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि SBI सबसे बड़ा बैंक है, आप कोई भी एरिया ले लें वहां पर आपको SBI की शाखा ज्यादा मिलेगी। एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे ज्यादा शाखाएं किस बैंक की हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI की शाखाएं सबसे ज्यादा हैं। तो शाखाएं सबसे ज्यादा हैं तो सबसे ज्यादा इसका ही यूज होता है, इसीलिए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? SBI। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में SBI से रिलेटेड कि SBI में वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। अब नेक्स्ट, वाईफाई में FI क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, फिडेलिटी, फीचर्स या उपरोक्त सभी? तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, फिडेलिटी। वाईफाई में FI क्या प्रेजेंट करता है? तो राइट आंसर है फिडेलिटी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि वाईफाई में FI क्या है, तो फिडेलिटी। वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम कितने लेंथ का होता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछा आता है।
तो वाईफाई का जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 डिजिट का हो सकता है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि वाईफाई का पासवर्ड अधिकतम कितने डिजिट का हो सकता है, तो वाईफाई का पासवर्ड अधिकतम 63 कैरेक्टर्स का हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट, जब किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उसके अंदर का फोल्डर भी कॉपी होता है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस इस बार भी कम आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, ठीक है ना। यहां पर कॉपी होता है या फिर नहीं पूछा है, तो यस और नो होना चाहिए था, तो हम इसको मान लेते हैं यस और यहां पर हो जाता है नो, ठीक है ना। तो जब आप किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स होते हैं सभी एक साथ कॉपी हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर आपको दिखाते हैं डेस्कटॉप पर, मान लीजिए यहां पर ये फोल्डर है, ठीक है, अब है एक्सेल कंप्यूटर। अब इसके अंदर देखिए कई सारे फोल्डर्स हैं, अगर इसको हम कॉपी करेंगे, यहां से कॉपी कर लेते हैं और जिस भी लोकेशन पे हमें पेस्ट करना है वहां पर हम इसे पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए डाउनलोड्स में हमें करना है तो यहां पर हम इसे पेस्ट करेंगे तो देखिए यहां पर ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर ये पेस्ट हो रहा है और प्रेजेंट टाइम पर इस पर आप देख सकते हो कि 3.20 मतलब 3 GB से ज्यादा का डाटा इकट्ठा है। तो आप सोचिए कि ट्रिपल सी का कितना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है ना। ये सारे मटेरियल्स जो हैं आपके वो ट्रिपल सी के ही हैं, ठीक है ना। तो 3 GB से ज्यादा एक फोल्डर में मटेरियल रखा हुआ है, तो इसके अदर में भी जो मटेरियल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है। तो ये बिल्कुल सही है, जब किसी फोल्डर को आप कॉपी करते हो तो उसके अंदर के जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स हैं सभी एक साथ कॉपी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट, कैल्क में अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है, 300%, 3000%, 400% या 600%। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 400%। कैल्क में अधिकतम 400% जूम होता है, ठीक है ना। अब इंप्रेस में कितना होता है और राइटर में कितना होता है, यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो राइटर की बात करें तो राइटर में होता है अधिकतम 600% और कैल्क की बात करें तो 400 और इंप्रेस की बात करें तो कितना होता है, 3000%। इंप्रेस में मिनिमम कितना होता है यह भी खूब पूछा जाता है, तो इंप्रेस में मिनिमम होता है 5%। याद रखिएगा इनके एक्सटेंशन भी एग्जाम में आते हैं कि कैल का एक्सटेंशन क्या है, राइटर का एक्सटेंशन क्या है और इंप्रेस का एक्सटेंशन क्या है। तो राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है आप सभी जानते हो, ODT होता है ना। क्या होता है ODT। अगर कैल की बात करें कैल का क्या होता है जल्दी बताइए, कैल का होता है .ods और इंप्रेस का बताइए .odp, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर दिया है, तो .odt, .ods और .odp, इनको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी अक्सर पूछे आते हैं। अब नेक्स्ट, OSPF स्टैंड फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पैथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पैथ फिल्म, ओपन शॉर्टेस्ट पब्लिक फिल्म या नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पैथ फर्स्ट। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये, ओपन शॉर्टेस्ट पैथ फर्स्ट। अब नेक्स्ट, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, यहां पर कैल्क इंप्रेस या ये सब नहीं दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका लिब्रा ऑफिस का ही है, यहां पर नोट डाउन कर दे रहे हैं हम कि लिब्रा ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+P, Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+P एंड Ctrl+F3। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, Ctrl+Shift+O। देखिए यहां पर लिब्रा ऑफिस राइटर हम ओपन कर लेते हैं और लिब्रा ऑफिस राइटर में आपको दिखाते हैं कि कैसे आप प्रिंट प्रीव्यू का यूज कर सकते हो और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रा ऑफिस काफी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि एमएस ऑफिस या बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, पावर पॉइंट ही एक ऐसा टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, बाकी एक्सेल और वर्ड से अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं।
अब यहां पर देखिए जूम कर लेते हैं और यहां पर आप एडिट पे देखोगे, सॉरी फाइल पे आप देखो तो फाइल पे लास्ट में ऑप्शन दिया है प्रिंट प्रीव्यू का, और इसकी शॉर्टकट की यहां पर लिखी हुई है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट के लिए वही शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू के लिए अलग है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ओके, सेव एज की शॉर्टकट की क्या है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस है, सेव करने की कंट्रोल प्लस एस, और ओपन की वही शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, वीएलएसआई चिप्स यूज्ड इन विच जनरेशन, अर्थात वीएलएसआई चिप का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, फोर्थ जनरेशन। वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। वीएलएसआई और यूएलएसआई ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं, यूएलएसआई का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, किस पीढ़ी के कंप्यूटर बड़े होते थे, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो आकार में काफी बड़े होते थे। याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग होता था ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो फर्स्ट जनरेशन में निर्वात ट्यूब अर्थात वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। अब आगे, डकडकगो क्या है, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ एबव। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सर्च इंजन। डकडकगो आपका एक सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम्ड कर सकते हैं, ट्विटर, अमेज़न, फेसबुक या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, फेसबुक। फेसबुक में हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, ना ही अमेजॉन पर लाइव है और ना ही ट्विटर पर लाइव वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक पर हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो, ठीक है। ट्विटर पर कितनी देर का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो ट्विटर पर मैक्सिमम 140 सेकेंड का वीडियो हम पोस्ट कर सकते हैं। 140 सेकेंड की बात करें तो हो गया 2 मिनट 20 सेकेंड, अर्थात 2 मिनट 20 सेकेंड का वीडियो हम ट्विटर पर पोस्ट कर सकते हैं। अमेजॉन क्या है यह क्वेश्चन भी आता है, तो अमेजॉन आपकी ई कॉमर्शियल साइट है। अब नेक्स्ट, अलीबाबा के ऑनर कौन हैं, डेंसो वेब, जैक मा, जेफ बेजोस एंड नोटा, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, जैक मा, ठीक है ना। जैक मा अलीबाबा के ऑनर हैं, जेफ बेजोस किसके फाउंडर हैं, अमेजॉन के हैं, डेंसो वेब किसके हैं तो आप सभी जानते हो, ये आपके QR कोड के, ठीक है। तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए फाउंडर के लिए एक अलग से वीडियो मैंने क्रिएट किया है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडर्स के नाम्स और उन्होंने किसका आविष्कार किया है ये सब कुछ आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, एक ट्वीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 165, 140, 135 एंड 190। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 140। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और वहां पर जो लेटेस्ट अपडेट है ट्विटर की कि ट्विटर में 280 कैरेक्टर्स हम ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वहां पर 140 का ऑप्शन आपको ज्यादातर मिलता है, 280 का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो अगर 280 का ऑप्शन देता है तो 280 इज राइट, अगर आपको 140 ही देता है तो आपको 140 पे ही टिक करना है। अब नेक्स्ट, इक्वल मॉड 25.6 का मान कितना होगा, 31, 151 या 19।
स्टूडेंट्स यहां पर हम कैल्क ओपन कर लेते हैं और कैल्क में हम मॉड फार्मूले का उपयोग करके आपको दिखाते हैं कि मॉड फार्मूला कैसे वर्क करता है और उसका क्या वर्क होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, 25.6 देखिए इक्वल मॉड, यहां पर ब्रैकेट लगाते हैं, 25 को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, 6 को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। तो देखिए राइट आंसर यहां पर कितना आ गया, 1। 1 कैसे आया, देखिए अगर आप 25 को 6 से डिवाइड करते हो, इक्वल 25 डिवाइडेड बाय 6, तो यहां पर देखिए ऑप्शन आपका कितना आ रहा है आंसर, 4.16, अर्थात पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा तो कुछ आपका शेषफल बचेगा, कुछ रिमाइंडर होगा। तो मॉड फार्मूला क्या करता है, मॉड फार्मूला हमें रिमाइंडर बताता है, अर्थात जो शेषफल है वो हमें बताता है। जैसे यहां पर अगर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल मॉड 25.5 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो देखिए राइट आंसर क्या आ रहा है, यहां पर 0 आ रहा है, क्योंकि 25 क्या है आपका, 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो मॉड फार्मूला क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है, अर्थात हमें शेषफल देता है कि भाग करने के पश्चात कितना बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस, आप भी एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन हमारे पास जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके भेज सकते हो, मेल करना चाहो तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स से भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम नोट कर लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को डिस्कस जरूर करेंगे। कल सुबह 7 बजे की क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। जिनका भी कल एग्जाम है वो उस वीडियो को जरूर देख लेंगे और जिनका भी एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग CCC एग्जाम को एस ग्रेड से पास करें। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।